हमारा आर्टिकल है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या चीज होती है, और चैप्टर नंबर वन में से चांसेस हैं कि हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक आर्टिकल बन सकता है आपके पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी भी। और एट द एंड जो भी लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने कोशिश करनी है जिसकी एक असाइनमेंट भी आप लोग मुझे सबमिट करवाएंगे कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपर वे के अंदर। और आज ये चैप्टर खत्म होगा सर, इंशाल्लाह हम आप लोगों का जो पहले चैप्टर क्या है उसका एक ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट कर लेंगे। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इसको हम देखते हैं, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या चीज होती है। सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है जो प्रिसीजन है, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने कोई भी मेजरमेंट लिए और उस जो पॉसिबल वेरिएशन आती है या पॉसिबल मेजरमेंट का वेरिएशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से पांच मेजरमेंट लिए, वो पांच की पांच का आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ना। जब मैं मेजरमेंट्स को आपस में कंपेयर करके उनका आपस में डिफरेंस निकालूंगा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हम कहते क्या है, हाउ मच वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर, जो वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है, तो वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है वो डिटरमाइन करता है प्रिसीजन। फिर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रिसीजन ऑफ एनी मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन का तल्लुक हमेशा डिवाइस के साथ होता है, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो प्रिसीजन इस चीज से रिलेट करती है। अब सीखा अगला, प्रिसीजन का मतलब ये है कि वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है, उन वैल्यूज की आपस में जो फ्लक्चुएशन है, आपस में जो वेरिएशन है, आपस में जो कंपेरिजन है, इससे क्या डिफरेंस आता है, दैट इज एक्यूरेसी। इन एक्चुअल मेजर ऑफ इन एक्यूरेसी होती है, क्या होती है मेजर ऑफ इन एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा गया एक मेजरमेंट है और उसमें आपके पास उसकी जो एक्यूरेसी है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो 5% एक्यूरेसी आपको बता दी। अब इस चीज का मतलब क्या है 5% एक्यूरेसी का, इस चीज का मतलब ये है कि इसमें 5% क्या आता है, एरर आता है, इसमें एरर कितना है 5%। इस चीज का मतलब वो 95% आपकी जो क्वांटिटी है, 5% तो एरर हो गया, बाकी 95% उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट करोगे वो एक्यूरेट मेजरमेंट होंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी इन एक्चुअल हमें एक्सटेंट ऑफ इन एक्यूरेसी बताती है कि किस हद तक इनमें इन एक्यूरेसी होगी। ये हमने डिटरमिन कैसे करनी है, प्रिसीजन तो डिटरमिन करते थे कि वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते थे, उनका आपस में मुआवजना करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है और उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो उन 50 बच्चों का अगर मैं आपस में कंपेरिजन करता हूँ तो दैट इज प्रिसीजन। अच्छा, अब वो बच्चे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और कॉलेज में टोटल आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 सेक्शन है, ठीक है, या हम एक लिमिट लगा देते हैं कि ये आपके पास भी टोटल आप इन बच्चों को एवरेज ये मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उनको आपस में जब बच्चों को कंपेयर किया उस क्लास के, वो तो प्रिसीजन हो गई। और जब मैं कहता हूँ कि बच्चों के 100 नंबर का टेस्ट हो, ये 100 आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, उन बच्चों के जितने भी मार्क्स थे उनको सम करके मैं एक एवरेज वैल्यू निकाल दूँ, और उस एवरेज वैल्यू को 100 के साथ जब कंपेयर उस चीज को क्या बोलता हूँ, एक्यूरेसी बोलता हूँ। एक्यूरेसी क्या है, ये है डेविएशन ऑफ एवरेज वैल्यू, कौन सी वैल्यू थी, एवरेज वैल्यू थी किस वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू को आप ट्रू वैल्यू भी बोलते हो और एक्चुअल वैल्यू से एवरेज वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के साथ जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। एंड डिफरेंस ऑफ वैल्यूज टू ईच अदर, आपस में उनका जो डिफरेंस है वो प्रिसीजन। फिर हम कहते हैं हाउ मच मीन बाय एवरेज वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, तो मीन बाय एवरेज वैल्यू कितनी क्लोज है, और इस चीज का जो ताल्लुक होता है वो मेजर्ड वैल्यूज के साथ होता है। देखिए प्रिसीजन का ताल्लुक मेजरिंग डिवाइस के साथ था और एक्यूरेसी का ताल्लुक वैल्यूज के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी चीज को अगर हम प्रिसीजन की बात करें, हम इसको डिटरमिन करना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा कि इसका तल्लुक होता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, मतलब अब हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और इंस्ट्रूमेंट हमने किया वो है हमारा मीटर रूल, और मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने इस मीटर रूल की मदद से क्या था, एक लेंथ मेजर की, और वो लेंथ है आपके पास
25.5 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है 25.5 सेंटीमीटर। अब देखें जितनी काबिले गौर है यहाँ से, मीटर रूल है क्या? हमने कहा था मीटर रूल एक डिवाइस है जो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करती है, जो लेंथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉइंट ए था, पॉइंट ए, मैं तीन पॉइंट बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मेरा पॉइंट क्या है। पॉइंट बी और ये पॉइंट, ये पॉइंट है ए बी और सी। फॉर एग्जाम्पल अब ये मीटर रूल क्या करता है, मुझे कहा गया जी ए और बी के दरमियान डिस्टेंस बताएं, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये आपके पास, मुझे कौन मेजर करके दे सकता है, मीटर रूल करके दे सकता है, मतलब ए और बी के दरमियान ये लेंथ ऑफ द पाथ है। तो मीटर रूल क्या होता है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, ये दो नुकात के दरमियान मुझे क्या बताता है, फासला बताता है। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कहा क्या है, डिस्टेंस मेजर कैसे हो रहा है दो पॉइंट्स के दरमियान, इस चीज का मतलब एक वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी और दूसरी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी, दूसरी वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे टोटल डिस्टेंस बताता है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं स्केल के ऊपर मैं रीडिंग देख लेता हूँ, ये मेरे पास रीडिंग थी जीरो, ये थी फोर, और फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू होती नाइन के ऊपर, ठीक है। इन दो का डिस्टेंस निकालना तो क्या आएगा, फोर माइनस जीरो। अच्छा अगर इन दो का निकालना होता तो बी और सी के दरमियान डिस्टेंस कितने, चलिए बी और सी अगर यहाँ से एक यहाँ तक आपसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालते, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, नौ माइनस पाँच सॉरी नौ माइनस चार पाँच आंसर आता है, एमीटर है तो वो आपके पास फाइव सेंटीमीटर यहाँ का आपके पास क्या आ जाता, ये भी लेंथ आ जाती। तो हम लेंथ कैसे मेजर करते हैं, हम लेंथ मेजर करते हैं डिस्टेंस ऑफ टू रीडिंग, एक रीडिंग आपके पास इनिशियल रीडिंग और फाइनल रीडिंग, मतलब एक रीडिंग आपको आर वन यहाँ पे मिल गई और आर टू आपको कहाँ पे मिल गई, यहाँ पे मिल गई। और अगर मैंने एक्चुअल वैल्यू लेनी है रीडिंग, मुझे तो रीडिंग से कंसर्न है, तो वो रीडिंग कैसे आएगी, रीडिंग आएगी आर टू माइनस आर वन, क्लियर होगी, एक्चुअल रीडिंग आएगी कि डिफरेंस ऑफ रीडिंग। अब मैंने दो रीडिंग ली और मुझे पता है दोनों रीडिंग्स के अंदर आंसर चेंज हो, जब आप मीटर रूल को यूज करते हो तो सिंगल रीडिंग के अंदर जो आंसर चेंजी होती है ये याद रखना है, ये होती है प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। सेम यहाँ पे भी क्या होगी, यही आंसर चेंजी होगी सिंगल रीडिंग के अंदर, प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब देखिए और हमने इन दोनों का कितना डिफरेंस लेना, इन दोनों में डेंटिस्ट आती है एक रीडिंग में ही आती है। अब यहाँ पे जो मर्जी वैल्यूज हैं, हमने एक रूल पढ़ा था असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फॉर एग्जाम्पल आर टू मेरे पास आती है, आर टू मेरे पास आती है 4.1 सेंटीमीटर और आर वन 0.1 सेंटीमीटर, दोनों में आंसर टेंटी कितनी आएगी, इसमें भी प्लस माइनस 0.05 और इसमें भी प्लस माइनस 0.05। अब हमने इस ये वाली आपके पास थी आर टू और ये वाली वैल्यू थी आर वन, ठीक है, हमने निकालना है आर टू माइनस आर वन, इसको तो हमने जैसे सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को तो हमने वैसे ही करना, 4.1 माइनस 0.1 ये आपके पास आ जाएगा 4.0 सेंटीमीटर। दूसरा है अनसर्टेनिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अनसर्टेनिटी, चाहे प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है हमेशा ऐड होते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे इसमें और इसमें ऐड होना है, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 और साथ में यूनिट सेंटीमीटर, तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी टोटल क्या हो गई 0.1 सेंटीमीटर। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आपके पास हुआ क्या,
आपने जब एक सिंगल मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी को डबल किया, ऐड किया, आपके पास जो अनसर्टेनिटी आई, उस अनसर्टेनिटी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इसको हम जो अनसर्टेनिटी है, और वो कौन सी अनसर्टेनिटी है? एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी से कम है, नेचुरली आपके पास बराबर होती है डबल टू टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन सिंगल रीडिंग। सिंगल रीडिंग की जो अनसर्टेनिटी हमने कंक्लूजन क्या निकाली, अब हम इस सारी जो हमने की कंक्लूजन क्या निकाली कि जो आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो लीस्ट काउंट के इक्वल होता है, और यही चीज आपके पास किस चीज के इक्वल होती है? प्रिसीजन के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू लीस्ट काउंट, दैट इज इक्वल टू प्रिसीजन। वो किस चीज के इक्वल होती है? प्रिसीजन। ठीक है, अगर इस पॉइंट को दोबारा आगे डिस्कस करते हैं, तो ये चीज एक बुक में लाइन लिखी हुई थी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए थी कि सिंगल रीडिंग अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है और ओवरऑल ये कैसे आपको क्लियर है। नाउ इसी चीज को प्रिसीजन और एक्यूरेसी को ग्राफ से समझने के लिए ग्राफिकली इसको कैसे समझा, मैंने ग्राफ बनाया और ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ना एक्सिस के ऊपर, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, सब ये आपकी वैल्यू है। अब मैंने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए और यहाँ पे मैं एक उसका मेजरमेंट का एक फ्लक्चुएटेड ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरे पास मेजरमेंट का क्या आ गया ग्राफ आ। ठीक है, ये आपके पास ये वाली जो अलाइनमेंट शो की है, ये वाली वैल्यू आपको भी वैल्यू शो करती है, एवरेज वैल्यू को शो करती है। तो एवरेज वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम कहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू मुझे मिली, ये कौन सी वैल्यू है? मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिए ये वाली एक्चुअल ये वैल्यू वो थी जिनका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे मैं पॉइंट शो कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, मतलब ये डिफरेंट वैल्यू थी एक दो तीन, इस ग्राफ के ऊपर मुझे डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट वैल्यूज मिली और उनका मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ये भी मैंने इन वैल्यूज का जो भी नहीं थी उनका एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको बता दी, तो ये भी मेजरमेंट थी जो मुझे ग्राफ की फॉर्म में ऐसे मिल रही थी। देखिएगा ये सेपरेट वैल्यू थी। अब इन दो वैल्यूज का, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन दोनों का जो आपस में मैं डिफरेंस लूंगा, ठीक है, ये आपस में कितनी क्लोज है, डिफरेंस लेने से मुझे यही पता चलेगा ना कितनी करीब है, इन दोनों में डेविएशन क्या है, डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक है, और अगर मैं इस मीन वैल्यू का जो सेंटर में पड़ी है इसको कंपेयर करना शुरू कर दूँ सेपरेट वैल्यू के साथ, ये वाली चीज आपकी क्या लाएगी, एक्यूरेसी लाएगी। आई होप कि आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी अब 100% क्लियर होगा कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी में एक्चुअल डिफरेंस है। दोबारा प्रिसीजन का मतलब मेजर्ड वैल्यूज आपको कितनी क्लोज है, डिस्टेंस दिया हमने लिया मेजरमेंट आपस में, मतलब आपस में क्या डिफरेंस है और उन मेजरमेंट का एक्चुअल के साथ क्या डिफरेंस है वो आपके सिंगल मेजरमेंट दिया, तो सिंगल मेजरमेंट दो मेजरमेंट आपके पास, उन दो मेजरमेंट आपस में डिफरेंस रहती है और उन दोनों मेजरमेंट का एक्चुअल के साथ डिफरेंस होगा वो आपके पास एक्यूरेसी। तो हम कह सकते हैं कि प्रिसीजन है वो इक्वल है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के, दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। अभी ये मैंने कहा था कि मैं इसको बाद में डिस्कस करता हूँ, वही पॉइंट दोबारा लिख दिया गया कि प्रिसीजन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस चीज का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम है उसके अंदर आने वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की क्या होगी, कम होगी, उसके अंदर आने वाली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इस चीज का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन की क्या होगी, कम होगी। अब जरा इसी चीज को हम तीन डिवाइसेस ले लेते हैं, मीटर रूल जिसका से लीस्ट काउंट आपके पास होता है 1 मिलीमीटर, हम कंसीडर करते हैं वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है और सेंटीमीटर 0.01 मिलीमीटर। अच्छा इनकी इक्वल टू वैल्यू और भी लिखिए, इसी 1 मिलीमीटर को हम बोलते हैं
अगर सेंटीमीटर में आ गए तो 0.1 सेंटीमीटर, इस 0.1 मिलीमीटर को कहते हैं 0.01 सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 0.001 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे ये है, इसमें आपसे पूछती है जाए सबसे ज्यादा प्रिसीजन किसकी होगी, प्रिसीजन इक्वल है कि इसके लीस्ट काउंट, और इन तीनों को कंपेयर किया तो सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट आता है मीटर रूल का, मतलब मीटर रूल की प्रिसीजन सबसे ज्यादा, लीस्ट काउंट सबसे कम, इसकी प्रिसीजन क्या होगी सबसे कम, इसकी जो प्रिसीजन होगी वो क्या है हमें पता चला लेस, और इसकी प्रिसीजन अगर मीटर रूल और वर्नियर को हम कंपैरिजन करें तो अगेन मीटर रूल की प्रिसीजन ज्यादा वर्नियर की प्रिसीजन कम, और वर्नियर और स्क्रू को कंपेयर करें तो वर्नियर की प्रिसीजन ज्यादा स्क्रू की प्रिसीजन कम, इसी का मतलब प्रिसीजन सबसे कम होती है और थोड़ी सी ज्यादा प्रिसीजन वर्नियर की, सबसे ज्यादा प्रिसीजन होती है मीटर रूल। प्रोपोर्शनल टू प्रिसीजन, ये पॉइंट हमने सीखा। एक्यूरेसी के, एक्यूरेसी का मतलब होता है फ्रैक्शनल रिलेटिव परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ, मतलब एक्यूरेसी इज इक्वल टू फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे हम जरा कुछ समझने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मेजरमेंट ली थी विद मीटर रूल, मेजरमेंट मैं आपके सामने दोबारा लिखता हूँ, वो मेजर वैल्यू थी 25.5 सेंटीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट हमने ऊपर लिखा था 0.1 सेंटीमीटर। अब आपका टारगेट ये है, इसकी मदद से आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बनानी है, तो मैं भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। फार्मूला याद रखना है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का, ये बराबर होता है लीस्ट काउंट, और इसको डिवाइड कर दें आप किस चीज के साथ, मेजर वैल्यू के साथ। लीस्ट काउंट था सेंटीमीटर में अगर लिखें तो 0.1, और मेजर वैल्यू थी आपके पास 25.5। जब आप इनको सॉल्व करते हो ना आपके पास आंसर आता है 0.0। आप 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर, आपके पास आंसर था 0.004। ये आपके पास आ जाएगा 0.4। ये तो हो गया जी, हमने निकाल लिया किसके लिए, फॉर मीटर रूल। वर्नियर कैलिपर के लिए भी एक रीडिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर के लिए मैंने रीडिंग ली, वो रीडिंग थी 0.4, बुक वाली वैल्यू में यूज कर लो 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे इसका होता है 0.01 सेंटीमीटर, ये सब डिस्काउंट आ गया आपके पास। अब ये आपके पास वैल्यू होती है सेम फार्मूला की मदद से 0.02, और जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी इससे वो कितनी आती है
सुपर। अब मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट नहीं की, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फार्मूला, मैंने यहाँ पे पहले बता दिया था ये दो फार्मूला है जिनको आप यूज करते हैं। अब सीखा क्या, हमें पता चला जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है इन वर्नियर कैलिपर वो ज्यादा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मीटर, ठीक है। और हमने कहा जो एक्यूरेसी होती है वो तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इक्वल होती है, मतलब एक्यूरेसी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसका मतलब जिसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी कम उसकी एक्यूरेसी भी कम, और इसमें ये ज्यादा उसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा। अब क्योंकि वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, इस वजह से वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तीनों में रिलेशन क्या है, जब सबसे ज्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी एक्यूरेसी की होगी उससे कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर की, और सबसे कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी मीटर रूल की। जब इनको मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे नतीजा नहीं मिलेगा कि स्क्रू गेज की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी सी कम एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर की, और सबसे कम एक्यूरेसी होगी मीटर रूल की। लेकिन प्रिसीजन में क्या था, मीटर रूल की प्रिसीजन सबसे ज्यादा थी, उससे थोड़ी सी कम थी वर्नियर कैलिपर की, और सबसे कम और एक्यूरेसी से प्रयोग गेज की सबसे ज्यादा, प्रिसीजन से प्रयोग गेज की सबसे कम, एक्यूरेसी प्रिसीजन से प्रयोग गेज की सबसे ज्यादा। इस चीज का मतलब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या रिलेशन, यहाँ क्या इनवर्स रिलेशन जो कि आपको बताया जाता है। खैर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला ये होता है और परसेंटेज का ये होता है कि लीस्ट काउंट ओवर मेजर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, या इसको फ्रैक्शनल को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज आपको अभी तक हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी में ये समझा। अब इनके ऑपोजिट चीज करते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। ये कहा था अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज वन विद लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक ऐसी वैल्यू जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो ज्यादा प्रिसाइज हो। इसका मतलब ये होगा कि जिसकी प्रिसीजन सबसे कम वो सबसे ज्यादा क्या होगी, प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। और हमने ये देखा कि प्रिसीजन सबसे कम थी स्क्रू गेज की, स्क्रू गेज की प्रिसीजन कम थी, एक्यूरेसी ज्यादा थी, मीटर होगी बात। एक चीज और भी ज्यादा होगी क्योंकि इसकी प्रिसीजन कम है, स्क्रू गेज से की जाने वाली मेजरमेंट ज्यादा क्या होती है, प्रिसाइज। क्लियर होगी बात, इस चीज को हम बोलते हैं मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट इज विद लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये रिलेशन हो गया कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम तो मेजरमेंट मोर प्रिसाइज, लीस्ट काउंट कम तो मेजरमेंट मोर प्रिसाइज, प्रिसीजन कम तो भी मेजरमेंट मोर प्रिसाइज हो। यहाँ से एक चीज याद रखनी है, आप जितनी छोटी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। इस चीज का मतलब ये हो गया कि प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए मैं प्रेफर किसको करूंगा, स्क्रू गेज को। क्यों, वो मुझे छोटी सी छोटी वैल्यू भी देगा। जब मुझे छोटी वैल्यू चाहिए तो फिर मैं स्क्रू गेज को प्रेफर करता हूँ क्योंकि उसकी जो मेजरमेंट होंगी वो प्रिसाइज होगी। देखिए स्क्रू गेज की प्रिसीजन सबसे कम है लेकिन उससे की जाने वाली मेजरमेंट ज्यादा क्या होंगी, प्रिसाइज होंगी, और उनकी एक्यूरेसी भी क्या होगी, एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट विद लेस इंटरैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब देखिए स्क्रू गेज की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा थी, हमने यही कहा था ना एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी और मीटर रूल की एक्यूरेसी सबसे कम। अब स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा, जब स्क्रू गेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा तो उससे की जाने वाली मेजरमेंट होता है एक्यूरेट। और वर्नियर मीटर रूल की हमने कहा था जो एक्यूरेसी होती है वो सबसे कम होती है, एक्यूरेसी सबसे कम, इसी का मतलब मीटर रूल वाली जो होगी वो ज्यादा अच्छा होगी, एक्यूरेट होगी। रिमाइंड माइंड में लिया एक्यूरेसी एक्यूरेसी हमें बताता है, ठीक हो गया। ये वाली चीज आप लोगों ने याद रखी है, परसेंट है इसका मतलब 95% एक्यूरेसी काम कर दी, 3% है मैंने एक्यूरेसी कम कर दी है, एक्यूरेसी मेजरमेंट 97% हो गई, 1% और कम कर दी एक्यूरेसी, एक्यूरेट मेजरमेंट 99% हो गई। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन। अब एक इसको समराइज करते हैं, सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट कोई से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वर्नियर स्क्रू ले लेते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं ताकि हमें चीजें और
क्रियोगेट्स की लीफ नोड कम होने की वजह से प्रिसीजन भी कम हो गई। फिर एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो एक्यूरेसी हमें पता चलती थी कि इस चीज़ से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से, और हमें ये पता है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी वर्नियर कैलिपर की नस्बत स्क्रू गेज की ज़्यादा होती है, क्योंकि स्क्रू गेज की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज़्यादा, इसलिए स्क्रू गेज की जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होती है और वर्नियर कैलिपर की एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। फिर प्रिसाइज मेजरमेंट हम कहते हैं, जिसका लीस्ट काउंट कम वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम ये मोर प्रिसाइज हो, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ज़्यादा तो लेस प्रिसाइज। एक्यूरेसी हमने कहा था ये डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर, फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब हमने कहा था कि स्क्रू गेज की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ज्यादा और वर्नियर कैलिपर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम, इनवर्स रिलेशन था, क्योंकि वर्नियर की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम, इस चीज की मदद से उनके जो मेजरमेंट होगा उतना होंगे ज्यादा एक्यूरेट होंगे। तो ये रिलेशन आपने इनमें आपस में याद रखे, इनके आपस में क्या रिलेशन होते हैं। अब इसको जरा कंक्लूड करते हैं किसी एक नियम, कंक्लूजन मोर प्रिसीजन डायरेक्ट रिलेशन एंड वाइस वर्सा, कम तो मतलब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, अगर प्रिसीजन ज्यादा लिस्ट ज्यादा प्रिसीजन मोर प्रिसीजन मोर एक्यूरेसी, प्रिसीजन ज्यादा तो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन। फिर हमने ये कहा और एक्यूरेसी एंड लेस लीस्ट काउंट, एक मेजरमेंट जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है इसका लीस्ट काउंट, इस चीज का मतलब डिवाइस पर क्या होगा मोर प्रिसाइज, इट हैज मोर एक्यूरेसी, एक ऐसी मेजरमेंट जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा की जाने वाली ज्यादा लीस्ट काउंट जिस चीज को बोलते हैं, मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट होती है एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हो वो लीस्ट काउंट होता है। रेंज क्या चीज होती है, रेंज होता है आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल मेजरमेंट टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैक्सिमम कितने सिंगल टाइम के अंदर आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो वो रेंज होती है। सेंसिटिविटी चीज इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिविटी है कि आपको कितनी डिफ्लेक्शन मिलती है, कितनी जल्दी आपको उसकी जो रीडिंग मिल सकती है वो जिनका लीस्ट काउंट कम होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है, डिवाइसेज जिनका लीस्ट काउंट कम उनके ज्यादा सेंसिटिव, और जिनकी रेंज कम होती है वो क्या होती है ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल बहुत चीज के बाद की मैथ मेजरिंग डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, और आप किराने की दुकान पे जाएं तो उसके पास भी एक मैथ मेजरिंग डिवाइस होती है, दोनों में डिफरेंस है। देखिए जो आपके पास गोल्ड स्मिथ का सुनार है उसको ज्यादा सेंसिटिव दे रहा है, क्योंकि उसके लिए 1 मिलीग्राम इवन 0.1 मिलीग्राम जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो हजारों रुपए की मार्केट का उसके पास प्योर डायमंड पड़े हैं, वो 0.1 मिलीग्राम का भी अगर डिफरेंस आ जाता है तो उसको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर एक दुकानदार 10 ग्राम ज्यादा चीनी दे देगा, 100 ग्राम ज्यादा भी चीनी दे देगा, तो मेरे ख्याल से उसका नुकसान का भी इतना हजार है, उसकी जो डिवाइस यूज होती है उसकी रेंज कम होती है, क्योंकि उसने किलोज में तो मेजर करना नहीं है, उसने मैक्सिमम ग्राम से नहीं जाना है। और जो आपके पास किराने की दुकान वाला बैठा हुआ है उसके रेंज ज्यादा रिक्वायर है, क्योंकि उसे 10 किलो आना है, 50 किलो की मेजरमेंट भी करनी है, साथ ही रेंज तो बढ़ा देता है, जब वो रेंज को बढ़ा देता है तो उसकी डिवाइस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, मतलब वो छोटी मोटी वैल्यू पे कोई डिफ्लेक्शन कोई मेजरमेंट कोई नहीं करती। लेकिन जो गोल्ड स्मिथ जो सुनार है स्नार वाली है उसकी रेंज कम होती है, क्योंकि उसको मोर सेंसिटिविटी चाहिए, उसे हल्की सी भी फ्लक्चुएशन मेजरमेंट में आ गई है तो उसने मेजर करनी है। फिर रिलायबिलिटी का सेंसिटिविटी से ज्यादा एक मेजरमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा सेंसिटिव होता है उसे जाने वाली मेजरमेंट मोर रिलायबल होती है। रिलायबिलिटी का लीस्ट काउंट के साथ यानी कि इन्वर्टर रिलेशन हो गया, एक ऐसी डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट कम वो ज्यादा रिलायबल होती है। नियर तकलीफ एरिया से की जाने वाली मेजरमेंट में कौन सी मेजरमेंट ज्यादा रिलायबल होंगी, हम कहेंगे कि क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम है इसलिए उससे की जाने वाली पैमाइशें ज्यादा काबिल इस्तेमाल हैं एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। तो क्लियर होगी, अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आपको बारी बारी अपने क्वेश्चन पूछ।